आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन सैंडविच। यह सैंडविच खाने में बाकी सब सैंडविच से बिल्कुल अलग बहुत ही ज़्यादा यम्मी और क्रीमी लगती है। इसे आप बहुत ही आसानी से घर में तवे पर बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम, मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी बेल की बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चिकन सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने गैस पर कुकर रख दिया है। अब इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, जितने पानी में चिकन पक जाए उतना ही पानी डालना है। अब हम इसमें चिकन के पीसेस डाल देंगे। लगभग 150 ग्राम जितना चिकन मैंने लिया है। इसको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। आप चाहें तो इसे पैन में भी बॉईल कर सकते हैं। अब इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, साथ ही आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। चौथाई चम्मच नमक डाल देंगे, एक तेज पत्ता डाल देंगे। अब इन्हें अच्छे से मिला देंगे। इस तरह से चिकन बॉईल करने से चिकन के अंदर मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब ढक्कन बंद करके 2 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। जब 2 सीटी आ जाए तो गैस ऑफ कर देंगे और प्रेशर रिलीज होने के बाद ढक्कन हटा देंगे। अगर चिकन में थोड़ा पानी हो तो आप इसे खुला ही गैस पर रखकर पानी सुखा लीजिए। तो अभी हमारा चिकन पक गया है। अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसे कांटे की हेल्प से इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इसमें जो भी बोन्स हो उसे आप निकाल दीजिए। अभी यह गर्म है तो मैं इसे कांटे से कर रही हूँ, ठंडा होने पर इसे आप हाथ से भी छोटे छोटे तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इसे साइड में रख देंगे। अभी हम गैस पर एक पैन गर्म होने के लिए रख देंगे और गैस ऑन कर देंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें आधा चम्मच लहसुन कद्दूकस करके डाल देंगे। जब लहसुन हल्का ब्राउन हो जाए तब हम इसमें 2 मीडियम साइज प्याज बारीक कट करके डाल देंगे। प्याज को भी हम लगभग 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जब प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें आधा कप बारीक कटी शिमला मिर्च डाल देंगे। 1 गाजर बारीक काट करके डाल देंगे। अब इन्हें भी लगभग 2 मिनट भून लेंगे। चम्मच चलाते रहेंगे। 2 मिनट बाद इसमें बॉईल किया हुआ चिकन डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इन सब मसालों को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। लगभग 2-3 मिनट इसे मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम पर रखेंगे। अब लास्ट में इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे और गैस ऑफ कर देंगे। अब इन्हें नीचे उतार लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। अभी हमारी स्टफिंग ठंडी हो गई है। अब इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच टमाटो सॉस डाल देंगे, 1 चम्मच रेड चिली सॉस डाल देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा मोजरेला चीज कद्दूकस करके डाल रही हूँ, साथ ही 2 टेबल स्पून मेयोनीज डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा स्टफिंग रेडी है। अब हम क्या करेंगे, 4 ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे। आपको जितना भी सैंडविच बनाना है उसी के अकॉर्डिंग ब्रेड ले लीजिए। अब इन सभी ब्रेड स्लाइसेस पर बटर लगा लेंगे। अब हमने जो स्टफिंग रेडी करके रखी है इसको 2 ब्रेड स्लाइस पर रखकर अच्छे से फैला लेंगे। अब दूसरी ब्रेड की स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे और थोड़ा हाथ से प्रेस कर देंगे। ब्रेड के ऊपर वाली साइड भी हम बटर लगा लेंगे। अब हम चलते हैं इन्हें टोस्ट करने की प्रोसेस की तरफ। इसके लिए मैंने गैस पर एक ग्रिल पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो इसे नॉर्मल तवे पर भी टोस्ट कर सकते हैं। अब जिस साइड हमने बटर लगाया था उस साइड को नीचे की तरफ करके पैन में रख देंगे। गैस की फ्लेम लो पर रखेंगे। ऊपर की साइड भी हम बटर लगा लेंगे। अब दोनों साइड इसे अलट पलट कर सेक लेंगे। जब यह दोनों साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए तब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम इन्हें कट कर लेंगे और सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो अभी हमारा चीज़ी यम्मी चिकन चीज़ सैंडविच रेडी है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है यह आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और इंजॉय कीजिए।